हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिनिशर सीएस एंड आईटी यूट्यूब चैनल पे। तो सी प्रोग्रामिंग, सी लैंग्वेज की हमारी सीरीज चल रही है, जिस सीरीज का ये थर्ड लेक्चर होने वाला है। इससे लास्ट वीडियो में हमने वेरिएबल्स के बारे में ये पढ़ा था कि हमारे पास वेरिएबल्स को बनाने के रूल्स कौन-कौन से होते हैं, किस किस तरह से हम एक वेरिएबल को बना सकते हैं, किन किन बातों का हमें उसमें ध्यान रखना होता है। तो वो बेसिकली हमारी थ्योरी की क्लास थी। आज के इस लेक्चर में हम कुछ प्रोग्राम्स करके देखेंगे सी लैंग्वेज से जुड़े हुए, और उन प्रोग्राम्स में हम इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स और फ्लोटिंग पॉइंट यानी कि डेसिमल टाइप के वेरिएबल्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम हमारे सी के प्रोग्राम के अंदर, वो चीज़ हम देखने वाले हैं। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वहां पे आपसे सी लैंग्वेज पूछी जाती है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। ऐसे ही प्रोग्राम्स आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या इनसे जुड़ी हुई चीजें पूछी जा सकती हैं। तो सबसे पहले हम कोई भी प्रोग्राम सी लैंग्वेज में लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को जैसे पता है कि हम हैश इंक्लूड stdio.h लिखते हैं, उसके बाद सेकेंड लाइन में हम लिखते हैं हैश इंक्लूड conio.h। फिर इसके बाद ये दोनों हेडर फाइल होती हैं, और अगर आपको ये हेडर फाइल नहीं पता क्या होती हैं, तो आप हमारा इंट्रोडक्शन सबसे पहला लेक्चर सी लैंग्वेज की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहां पे मैंने डिटेल से इन चीजों को बताया हुआ है। इसके बाद हम हमारा वॉइड मेन फंक्शन स्टार्ट करते हैं। इस मेन फंक्शन को स्टार्ट करने के बाद हम इसके अंदर बाद में जो भी डेटा हम डालेंगे वही हमारा क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है, वही कोड हमारा हमें आउटपुट देता है। कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं हम कोड स्टार्ट करने से पहले। और अब यहां पे बात आती है कि अगर हमें कोई भी वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू वेरी होती रहती है, वेरी करती रहती है, चेंज होती रहती है, और कोई भी वेरिएबल होता है वो अपने अंदर कोई ना कोई वैल्यू स्टोर करता है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमें कोई ए वेरिएबल है वो लेना है, जिसके अंदर हम मान लेते हैं हमें 50 उसके अंदर वैल्यू डालनी है। तो क्या हमें सिर्फ ए इज इक्वल टू 50 लिखने से हमारा काम चल जाएगा? जी नहीं, हमारा सिर्फ ए इज इक्वल टू 50 लिखने से काम नहीं चलेगा। हमें इसके आगे डिक्लेरेशन करना पड़ता है, एक डेटा टाइप यूज करना पड़ता है। अगर हम इंटीजर टाइप की वैल्यू को एक वेरिएबल के अंदर असाइन कर रहे हैं, तो हमें इंट डेटा टाइप का यूज करना पड़ता है, ताकि हमारा कंपाइलर ये समझ पाए कि जो वेरिएबल है उसके अंदर जो वैल्यू है वो कैसी वैल्यू है। अब बात आती है कि इंट टाइप का, इंटीजर टाइप का वेरिएबल के अंदर हमने इंटीजर वैल्यू तो डाल दी है, इसके बाद अगर हमें इसको आउटपुट में अगर हमें चाहिए है, तो हम उसके लिए प्रिंट एफ फंक्शन में क्या लिखेंगे, हमारी जो प्रिंट एफ फंक्शन की स्टेटमेंट होगी हम उसके अंदर क्या लिखेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे मान लो डबल कोट के अंदर सिर्फ लिखता हूँ वैल्यू ऑफ ए, अगर हमें आउटपुट चाहिए है, हमें ए की वैल्यू जो भी है वो हमें आउटपुट में चाहिए है, लेकिन मैं प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर सिर्फ इतना लिख देता हूँ वैल्यू ऑफ ए, और फिर गेट फंक्शन का यूज करके हम हमारे कोड को खत्म करते हुए, और अगर इसको मैं सेव करके और जैसे ही हमारा टर्मिनल ओपन करूंगा, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी। यहाँ से डायरेक्ट ऐसा सेम क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, सेम इतना कोड दे के आपसे पूछा जा सकता है कि आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट 50 आएगा या आउटपुट वैल्यू ऑफ ए लिखा आएगा, एरर आएगा या फिर क्या आएगा। तो चलिए देखते हैं, मैं हमारी फाइल के अंदर जाता हूँ मेन डॉट सी के अंदर और ए डॉट टीएक्सी में जाके देखते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आता है। तो हमारे पास दोस्तों नीचे देखो यहाँ पे जो आउटपुट आया है वो आया है वैल्यू ऑफ ए, यानी कि इस प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर हमने जो लिखा था वैल्यू ऑफ ए लिखा था वही हमारे पास यहाँ पे आउटपुट में आ गया। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमने हमारे कंपाइलर को जो हमें प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर हम लिखेंगे, स्टेटमेंट के अंदर लिखेंगे, हमारे कंपाइलर को हमें बताना पड़ेगा कि हम आउटपुट में चाहते क्या हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ लिखा वैल्यू ऑफ ए, तो हमारे कंपाइलर ने हमें वैल्यू ऑफ ए एज इट इज लिखा हुआ दिखा दिया। लेकिन अगर हम यहाँ पे लिखा, अगर मुझे ए की जो वैल्यू ए के अंदर मैंने डाली हुई है, अगर मुझे वो वैल्यू चाहिए है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वैल्यू इज, और फिर मैं लिखूंगा परसेंटाइल डी। अब ये परसेंटाइल डी क्या है? परसेंटाइल डी को दोस्तों फॉर्मेट स्पेसिफायर या फिर प्लेस होल्डर भी बोला जाता है। ये जो परसेंटाइल डी है ये हमें आउटपुट में इंटीजर वैल्यू देगा। ये जो परसेंटाइल डी है ये अपने अंदर ए की वैल्यू को, सबसे पहले अपने अंदर ए की वैल्यू को ये डाल लेगा, उसके बाद हमें ये ए की वैल्यू आउटपुट में देता है। यानी कि करेक्ट अगर कोड बताऊं तो करेक्ट कोड होगा हमारा ये वैल्यू इज। ये वैल्यू इज लिखने की जरूरत भी नहीं है, ये सिर्फ हमने इसलिए लिखा है कि आउटपुट में हमें यहाँ पे थोड़ा सा समझ में आ सके। परसेंटाइल डी जरूर लिखना पड़ेगा हमें अगर इस ए की वैल्यू हमें आउटपुट में चाहिए है तो। तो चलिए जी देखते हैं, हम फाइल पे जाके इसको सेव करते हैं और हमारा टर्मिनल ओपन करते हैं, और अब हम हमारी फाइल के अंदर जाएंगे जो मेन डॉट सी के नाम से हमने बनाई हुई है, और फिर हम ए डॉट टीएक्सी के अंदर जाएंगे। तो अब आपके सामने जो आउटपुट आता है दोस्तों वो आता है वैल्यू इज 50।
अब इस परसेंटाइल डी ने क्या किया है, ये जो 50 वैल्यू थी ए के अंदर, इस डी ने इस ए की वैल्यू अपने अंदर उठाई और हमें आउटपुट में दे दिया वैल्यू इज 50। तो यहां से हमें एक बात क्लियर होती है कि जो फॉर्मेट स्पेसिफायर या जो प्लेस होल्डर होता है परसेंटाइल डी, अगर हमें इंटीजर टाइप की वैल्यू आउटपुट में चाहिए है और हमारे वेरिएबल में इंटीजर टाइप की वैल्यू हमने डाली हुई है, तो हमें परसेंटाइल डी प्लेस होल्डर यहाँ पे लगाना ही लगाना पड़ेगा, ये कंपलसरी होता है। अगर हम परसेंटाइल डी नहीं लगाते हैं तो हमें वो आउटपुट में जो वैल्यू है वो इंट वैल्यू 50 वैल्यू वो हमें नहीं मिलेगी। तो यहां से आप लोगों को ये बातें क्लियर होती हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं कि एक से ज्यादा वेरिएबल्स के साथ हम कैसे कैसे क्या क्या खेल सकते हैं, क्या क्या गेम कर सकते हैं। तो उसके लिए हम एक बार इतने कोड को हम कॉपी करेंगे, स्मार्ट तरीके से हम हमारा टाइम बचाने की कोशिश करेंगे ताकि हमें दोबारा से वो चीजें ना लिखनी पड़े जो हमने एक बार लिख दी हैं। और यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक से ज्यादा वेरिएबल्स को असाइन करने की कोशिश करते हैं, एक से ज्यादा वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने की ये है दोस्तों कि वेरिएबल्स हमेशा सी कोड में, जब भी आप वेरिएबल्स डिक्लेयर करोगे तो आपको सबसे पहले वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना पड़ेगा, उसके बाद आपको उनकी कंडीशंस के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं हमें एक से ज्यादा वेरिएबल चाहिए हैं, तो मुझे इंट बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैं इंट ए लिखूंगा फिर मैं इंट बी लिखूंगा, नहीं, हम एक बार इंट लिख के ए कोमा बी कोमा सी अगर मैं ऐसे लिख देता हूं तो इसका मतलब भी हमारा कंपाइलर समझ जाएगा कि ए कोमा बी कोमा सी तीनों जो है वो इंटीजर टाइप के क्या हैं, वेरिएबल्स हैं, या फिर इनके अंदर इंट टाइप की वैल्यू हम डालेंगे, इंट डेटा टाइप का यूज करके हम तीनों को डिक्लेयर कर देते हैं। अब यहां से मान लेते हैं ए को मैं 500 वैल्यू दे देता हूं और बी को मान लो मैं 600 वैल्यू दे देता हूं और सी मान लेते हैं हम सी को दे देते हैं फॉर एग्जाम्पल 200 वैल्यू दे देते हैं सी को। तो सबसे पहले हमने इंट डेटा टाइप का यूज करके तीनों वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया, उसके बाद तीनों वेरिएबल्स के हमने अंदर हमने उनकी इंटीजर वैल्यू को डाल दिया। अब अगर मैं प्रिंट एफ फंक्शन का यूज करूंगा और उसके अंदर अगर मैं वैल्यू डालने की कोशिश करूंगा, उसके अंदर मुझे अब ये लिखना है कि मुझे चाहिए क्या है आउटपुट में, तो वो मैं किसके अंदर डालूंगा, प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर डालूंगा। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं करूंगा बैकवर्ड स्लैश एन का यूज ताकि मुझे एक लाइन का गैप मिल जाए, और उसके बाद मैं मान लो वैल्यू ऑफ ए को डिक्लेयर करता हूं कि वैल्यू ऑफ ए कैसी है, वैल्यू ऑफ ए है परसेंटाइल डी। ऐसे ही कोमा देके बी इज इक्वल टू बी मैं करता हूं परसेंटाइल डी और सी इज इक्वल टू बी मैं करता हूं परसेंटाइल डी। तो ऐसा करने का मतलब क्या हुआ कि मैंने मेरे कंपाइलर को बताया है कि भाई प्रिंट एफ फंक्शन जो है उसके अंदर मैंने लिखा कि ए की वैल्यू भी कैसी है परसेंटाइल डी है, बी की वैल्यू भी कैसी है परसेंटाइल डी है, सी की वैल्यू भी कैसी है परसेंटाइल डी है। यहां से अब मैं कोमा करके ए कोमा बी कोमा सी तीनों वेरिएबल्स को एक बार फिर से डिक्लेयर करूंगा और मैं सेमी कोलन का यूज करूंगा। सी लैंग्वेज के कोड के अंदर कोई भी स्टेटमेंट जब आप खत्म करते हो तो आपको सेमी कोलन से उस स्टेटमेंट को टर्मिनेट करना पड़ता है, खत्म करना पड़ता है। इसका मतलब है कि आप वो स्टेटमेंट पूरी लिख चुके हो, अब आप उसको उस स्टेटमेंट के अंदर कुछ और ऐड नहीं करना है। तो दोस्तों अब यहाँ पे होगा क्या कि मैं एक और प्रिंट एफ फंक्शन का यूज करूंगा कुछ और यहाँ पे अलग डिक्लेयर करने के लिए। इस पहली प्रिंट एफ स्टेटमेंट से आप लोगों को क्या समझ में आता है कि यहां से हमें क्या आउटपुट मिल सकता है, यहां से हमें ये जो परसेंटाइल डी है ये इस ए की वैल्यू को उठाएगा, ये परसेंटाइल डी इस बी की वैल्यू को उठाएगा, ये परसेंटाइल डी सी की वैल्यू को उठाएगा और हमें आउटपुट में तीनों की जो वैल्यू है वो लिख के दे देगा। अब मैं चाहता हूं कि तीनों की वैल्यू तो हमारे पास अलग अलग आए ही आए लेकिन तीनों का हम सम भी चाहते हैं। तो मान लेते हैं सम को मैं डिक्लेयर करता हूं सम इज परसेंटाइल डी। सम इज परसेंटाइल डी का मतलब क्या हुआ कि जो भी सम होगा वो भी कैसा आउटपुट आएगा, इंटीजर टाइप का आउटपुट हमारे पास आएगा। और यहां पे मैं कोमा देके अब मैं यहां पे डिक्लेयर करूंगा कि सम क्या होता है, इसको बताना पड़ेगा, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि तीनों का जो जोड़ होगा वो होगा यहाँ पे हमारा सम। और फिर गेट फंक्शन से मैं हमारे कोड को खत्म करूंगा और अब मैं करता हूं हमारे कोड को सेव, और सेव करके हम चलते हैं हमारे टर्मिनल के अंदर और देखते हैं हमारे पास आउटपुट में क्या आता है। तो सबसे पहले तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूंगा ताकि दिख जाए आपको, और अब मैं यहां पे करूंगा जीसीसी स्पेस, और अब की बार हमारी फाइल का नाम जो है वो है पुलिस डॉट सी। तो हम पहले पुलिस डॉट सी के अंदर जाएंगे, फिर हम ए डॉट एक्स सी के अंदर जाएंगे और फिर एंटर करते हैं। तो हमारे पास वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 500 आ गया है, वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू परसेंटाइल डी। इसने ए की वैल्यू 500 को उठाया, फिर इस डी ने बी की वैल्यू 600 को उठाया और इस डी ने सी की वैल्यू 200 को उठाया। और यहाँ पे सम इज परसेंटाइल डी जो सम है तीनों का 1300, वो देखो इनके साथ ही चिपक के आ गया है, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं इस सम से पहले भी एक फॉरवर्ड स्लैश एन का यूज अगर कर देता हूँ और फिर मैं अपनी फाइल पे जाके उसको सेव करता हूँ, और एक बार फिर से यहाँ पे हम हमारे जीसीसी स्पेस
police.c के अंदर जाएंगे और a.exe के अंदर जाएंगे, तो अब आप देखोगे कुछ सुंदर दिख रहा है, वैल्यू ऑफ ए बी सी तीनों अलग से आई हुई है और सम जो है तीनों का वो अलग लाइन में आया हुआ है। तो ये जो न्यू लाइन कैरेक्टर है इसका यूज हम करते हैं अगली लाइन में जाने के लिए, ताकि हमारा जो कोड है थोड़ा सा अच्छे तरीके से दिखे। तो यहाँ पे इस कोड से हमें पता लगा है कि हम तीनों वेरिएबल्स जो होते हैं उनको एक जैसा भी डिक्लेयर कर सकते हैं, और हम एक डेटा टाइप का, एक बार डेटा टाइप का यूज करते हैं इंट का या किसी भी डेटा टाइप का, और फिर तीनों जितने भी वेरिएबल्स हमें लेने होते हैं उनको एक लाइन में कोमा दे के सेपरेट करके हम लिख सकते हैं। साथ ही साथ उसके बाद हम एक ए बी और सी तीनों वेरिएबल्स को हम वैल्यू देते हैं, फिर प्रिंट एफ के अंदर हम उन तीनों को हमारे कंपाइलर को ये बताते हैं कि हमें आउटपुट में तीनों की वैल्यू जो है आउटपुट में हमें इंटीजर टाइप की चाहिए, तो हम परसेंटाइल डी फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करते हैं। फिर हमें सम भी चाहिए होता है, तो हमें सम भी डिक्लेयर करना होता है कि सम जो चाहिए वो इंटीजर टाइप का चाहिए या फ्लोट टाइप का चाहिए, वो कैसा चाहिए। तो यहाँ पे हम सम करते हैं डिक्लेयर कि इंटीजर टाइप का चाहिए और सम कैसा होना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू का जोड़ होना चाहिए। तो वही हमारे पास आउटपुट में यहाँ पे दोस्तों आ जाता है। अब इसके बाद hssc.c वाली जो फाइल है उसके अंदर हम जाते हैं और एक और कोड की प्रैक्टिस करके देखते हैं और कुछ नया करने की ट्राई हम करते हैं। तो सेम वही कर्ली ब्रैकेट्स का मैं यूज करूंगा स्टार्ट करने के लिए। हेडर फाइल के साथ हम void main फंक्शन स्टार्ट करते हैं। अब बात आती है कि मैं फिर से अगर मान लो int a कोमा b कोमा c तीन या फिर चार वेरिएबल्स में यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ, और चार ये वेरिएबल्स के साथ int a इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 50 वैल्यू a को दे देता हूँ, b को मैं यहाँ पे 60 वैल्यू दे देता हूँ, c को मैं यहाँ पे 80 वैल्यू दे देता हूँ और d को मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं देता हूँ। तो डी को मैंने यहाँ पे तो वैल्यू नहीं दी है, लेकिन डी को मैं आगे क्या वैल्यू दे सकता हूँ, डी इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल मैं ए प्लस बी प्लस सी कर देता हूँ और हमारे कंपाइलर को बता देता हूँ कि डी की वैल्यू हम वैसे तो आपको कुछ नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपको जो डी की वैल्यू हमें देनी है वो देनी है इन तीनों का ए बी सी का जोड़ करके। तो सबसे पहले प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर तो हमें क्या चाहिए है, सबसे पहले प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर हम मान लेते हैं हमें अलग अलग वैल्यू चाहिए है ए की बी की सी की और डी की, हमें अलग अलग वैल्यू चाहिए हैं सबकी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक परसेंटाइल डी, अब हमारे पास टोटल वेरिएबल्स कितने हैं दोस्तों, टोटल वेरिएबल्स हमारे पास हो चुके हैं चार, तो चार वेरिएबल्स के लिए मुझे चार परसेंटाइल डी का यूज करना पड़ेगा। परसेंटाइल डी के साथ ही मैं फॉरवर्ड स्लैश एन का यूज करूंगा, उसके बाद फिर परसेंटाइल डी के साथ मैं फॉरवर्ड स्लैश एन का यूज करूंगा, फिर मैं परसेंटाइल डी के साथ फॉरवर्ड स्लैश एन का यूज बैकवर्ड स्लैश एन का यूज करूंगा और फिर से मैं परसेंटाइल डी के साथ बैकवर्ड स्लैश एन का यूज करूंगा, ताकि जो भी मेरे पास रिजल्ट आएगा वो अलग अलग लाइन में आए, एक साथ चिपका हुआ रिजल्ट ना आए। तो यहां से हमारी इतना काम हमारा खत्म होता है और फिर हम ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी ये चार वेरिएबल्स को नाम को हम असाइन करते हैं और फिर हम चलते हैं अगली लाइन में। अगली लाइन में हम गैच फंक्शन का यूज करते हुए हमारे कोड को कर देंगे खत्म और फिर इसको हम सेव करके और हमारे टर्मिनल के अंदर जाके देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट जो है वो क्या आता है। टर्मिनल के अंदर जैसे ही ओपन होता है हमें सबसे पहले gcc स्पेस hssc.c फाइल है हमारी, इसके अंदर हमें जाना है, फिर हमें a.exe के अंदर जाके एंटर कर देना है। और आप देख सकते हो सबसे पहला हमें क्या चाहिए था, परसेंटाइल डी, इस परसेंटाइल डी ने इस ए को उठाया यानी कि 50 आउटपुट आया, इस परसेंटाइल डी ने बी को उठाया यानी 60 आउटपुट आया, इस परसेंटाइल डी ने सी को उठाया यानी कि 80 आउटपुट आया, और इस परसेंटाइल डी ने डी को उठाया है और डी हमने क्या असाइन किया हुआ था कि डी के अंदर इंटीजर टाइप की ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों का जोड़ जो है आप हमें आउटपुट में दोगे। तो हमारे कंपाइलर ने डी इज इक्वल टू हमें 190 यानी कि 60 80 और 50 का जो जोड़ होता है वो हमें इसने 190 दे दिया है। अब ऐसा नहीं है यहाँ पे सिर्फ प्लस हो, यहाँ पे अगर आप माइनस करना चाहो तो आप माइनस करके भी आउटपुट ले सकते हो, सिर्फ आपको क्या करना है सेव करना है और यहाँ पे आपको फिर से gcc स्पेस आपकी फाइल का नाम hssc.c के अंदर जाना है और फिर आप a.exe के अंदर जाके अब देखोगे तो अब 50, 60, 80 और d की वैल्यू जो है अब वो 30 हो चुकी है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो कंडीशन थी वो चेंज कर दी थी कि d की वैल्यू में a और b का जोड़ होना चाहिए और उसमें से c को घटा दीजिए जी आप। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट एक और कोड लिखते हैं और कुछ और नया सीखने की कोशिश करते हैं। तो अभी तक हम वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर करते हैं वो देख चुके हैं, उसके बाद हम ये देख चुके हैं कि एक से ज्यादा वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर करेंगे, और तीसरे नंबर पे हमने देखा कि अगर हम वेरिएबल डिक्लेयर करने के साथ साथ एक ऐसा वेरिएबल भी डिक्लेयर करते हैं जिसके अंदर हम कोई वैल्यू ना डाल के कंडीशन डाल देते हैं तो हमें कैसा आउटपुट मिलता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम वही सबसे पहले हमारा कॉपी करेंगे, टाइम को बचाएंगे स्मार्ट तरीके से, और अब हम सबसे पहले क्या करते हैं,
हम फॉर एग्जाम्पल एक इंट डेटा टाइप का यूज करते हुए एक वेरिएबल लेते हैं ए, जिसको हम दे देते हैं फॉर एग्जाम्पल 70 वैल्यू, और हम एक एक्स वेरिएबल लेते हैं, एक्स को मान लेते हैं हम दे देते हैं 100, 1000 वैल्यू दे देते हैं। सेमी कोलन का यूज करते हुए टर्मिनेट करेंगे हम हमारी स्टेटमेंट को, उसके बाद हम प्रिंट एफ फंक्शन का यूज करेंगे। प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर अब की बार मान लेते हैं डबल कोट का यूज करके, सबसे पहले तो परसेंटाइल डी को यूज करेंगे हम। किसके लिए परसेंटाइल डी का यूज कर रहे हैं? हम परसेंटाइल डी का यूज कर रहे हैं ए के लिए और एक्स के लिए, ताकि हमारे पास जो भी वैल्यू आए, जो भी हमें ए और एक्स की जो वैल्यू आउटपुट में चाहिए है वो किस हिसाब से चाहिए है। तो दो वेरिएबल हैं तो हमें दो बार परसेंटाइल डी यूज करना पड़ेगा दोस्तों। अब मैं यहाँ पे कुछ अलग करने की कोशिश करता हूँ और मैं एक परसेंटाइल डी यहाँ पे और यूज कर देता हूँ। भाई ये परसेंटाइल डी का क्या काम होगा? तो दोस्तों इस परसेंटाइल डी का काम जो होगा वो आपको अभी ऐसे समझ में आएगा कि यहाँ पे मैं ए कोमा एक्स कोमा यहाँ पे मैं कुछ और वैल्यू दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 3000 वैल्यू डाल देता हूँ, ऐसे ही रैंडमली वैल्यू डाल दी, मैंने कोई भी वेरिएबल नहीं लिया है 3000 के लिए, लेकिन फिर भी मैंने 3000 प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर डाल दी है। तो अब आप लोगों से पूछा जा सकता है कि भाई इस जो ये कोड है इसका आउटपुट क्या हो सकता है, या फिर इसी के साथ साथ अगर मैं एक प्रिंट एफ फंक्शन और यूज कर दूं और कुछ डिफरेंट करने की अगर हम कोशिश करें, और इसके साथ ही मैं नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर का और परसेंटाइल डी का यूज करके यहां पे लिखता हूं दोस्तों हेलो, ठीक है, इतना लिख दिया मैंने। उसके बाद कोमा देके स्पेस देके मैं यहां पे लिख देता हूं 2500। तो यहां पे हमने दो चीजें अलग की हैं। सबसे पहली चीज हमने अलग की है कि पहले प्रिंट एफ स्टेटमेंट के अंदर हमने 1, 2, 3 परसेंटाइल डी का यूज कर दिया। पहला परसेंटाइल डी तो ए की वैल्यू उठाएगा, दूसरा परसेंटाइल डी एक्स की वैल्यू को उठाएगा, लेकिन ये तीसरा परसेंटाइल डी क्या इस 3000 को उठाएगा या नहीं उठाएगा ये देखने की बात है यहाँ पे। दूसरे प्रिंटर फंक्शन के अंदर हमने एक परसेंटाइल डी का यूज किया है, लेकिन हमने वैल्यू यहाँ पे दो डाली है, एक हेलो वैल्यू डाली है और एक 2500 वैल्यू डाली है। तो यहाँ पे हमारे पास इससे क्या आउटपुट आता है, हम ये चीजें चेक करने के लिए हमने ये कोड लिखा है। तो हम करते हैं फाइल को सेव, सेव करके हम हमारे टर्मिनल को ओपन करेंगे, और हमारी फाइल का अब की बार नाम है hello.c। तो हम gcc स्पेस hello.c के अंदर जाएंगे सबसे पहले, फिर a.exe के अंदर जाएंगे और एंटर करोगे तो आपके पास दोस्तों सबसे पहला आंसर आता है 70, यानी कि a की वैल्यू आंसर में आती है, यानी कि इस परसेंटाइल डी ने इस a की वैल्यू को उठाया। सेकेंड आंसर आता है हमारे पास 1000 आउटपुट, दूसरे परसेंटाइल डी ने x की वैल्यू जो 1000 थी उसको उठाया, और हमारे पास तीसरी लाइन में जो आउटपुट आया है वो आया है 3000, यानी कि इस परसेंटाइल डी ने सीधे सीधे 3000 को अपने अंदर उठा लिया, इसको किसी वेरिएबल की जरूरत नहीं पड़ी हमें असाइन करने के लिए। तो यहां से हमें पता लगता है कि प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर अगर हमें कोई वैल्यू देके परसेंटाइल डी यूज किया हुआ है तो हर एक परसेंटाइल डी किसी ना किसी उस वैल्यू को उठाएगा ही उठाएगा और हमें आउटपुट में दे देगा। सेकेंड प्रिंट एफ फंक्शन वाली जो हमारी स्टेटमेंट थी वहां से हमें ये पता लगता है कि परसेंटाइल डी जो है वो 2500 उठाएगा, यानी कि पहले हमारे पास 2500 प्रिंट होगा, उसके बाद अगर कुछ भी हमने यहाँ पे लिखा है वो भी हमारा प्रिंट होगा, लेकिन पहले जो इंटीजर वैल्यू थी वो प्रिंट होगी, क्योंकि परसेंटाइल डी जो होगा वो पहले इंट वैल्यू को उठाएगा। तो इस कोड से हमें ये चीजें नहीं पता लगी हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं ये कोड भी आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर हम बात करें कि फ्लोटिंग पॉइंट अगर हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है तो हम कैसे करते हैं, तो viru.c मैंने फाइल बनाई हुई है, इस फाइल में जाके हम पहले इस कोड को कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेते हैं ताकि दोबारा ना लिखना पड़े। कर्ली ब्रैकेट का यूज करके हम कोड को स्टार्ट करते हैं लिखना। तो अभी तक हमने इंटीजर टाइप के वेरिएबल देखे हैं, हम इस कोड में हम क्या देखने वाले हैं, फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल कैसे डिक्लेयर हम कर सकते हैं। तो फ्लोट डेटा टाइप का हमें यूज करना होता है दोस्तों, फ्लोटिंग पॉइंट यानी डेसिमल वैल्यूज के साथ अगर हमें कोई भी वेरिएबल लेना होता है तो। और इस कोड से आपको एक दो बातें नई भी सीखने को मिलेंगी, तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर मैं ए को बराबर रख देता हूं या ए के अंदर एक वैल्यू डाल देता हूं, फॉर एग्जांपल 1.52 मैं ए के अंदर डाल देता हूं, एक बी वेरिएबल लेता हूं जिसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं 2.35 वैल्यू डाल देता हूं, और कोमा देके मैं एक सी वेरिएबल और डिक्लेयर कर देता हूं, लेकिन सी के अंदर मैं वैल्यू कोई नहीं डालता, सी को मैं बराबर कर देता हूं ए प्लस बी के, ताकि हमें जैसे मैंने थोड़ी देर पहले जो किया था डी में हमने ए प्लस बी प्लस सी किया था, जैसे यहाँ पे हमने डी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी करके देखा था, ऐसे ही यहाँ पे मैं सी इज इक्वल टू ए प्लस बी कर देता हूँ, क्या क्योंकि सी की वैल्यू हमें कोई नहीं डालनी है। तो मैं यहाँ पे प्रिंट एफ फंक्शन का यूज करूंगा और डबल कोट का यूज करते हुए हम लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं कि वैल्यू ऑफ ए जो है वो इज इक्वल टू है परसेंटाइल एफ के।
फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स को आउटपुट में लेने के लिए दोस्तों हमें जिस फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज या जिस प्लेस होल्डर का यूज करना पड़ता है उसको परसेंटाइल एफ के तौर पे लिखा जाता है दोस्तों। एंड यहां से बी को भी मैं इज इक्वल टू करूंगा परसेंटाइल एफ के दोस्तों, ठीक है। तो यहां से आपको ये बात पता लगी है। और अब मैं यहाँ पे अपने ए कोमा बी दोनों वेरिएबल्स का नाम यहाँ पे लिखूंगा ताकि ये पहचान जाए कि इस परसेंटाइल एफ को ए की वैल्यू उठानी है और इसको बी की वैल्यू उठानी है। दूसरे प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर मुझे और क्या चाहिए है, मैं चाहता हूं मुझे सम भी मिल जाए, यानी कि इनका एडिशन भी मिल जाए। किसका? सी का एडिशन मिल जाए। तो मैं सी पे लिखता हूं सम इज परसेंटाइल एफ का यूज तो मुझे करना ही करना पड़ेगा, साथ ही साथ फिर कोमा देके मुझे यहाँ पे सी को डिक्लेयर करना पड़ेगा ताकि ये जो परसेंटाइल एफ है ये किसकी वैल्यू को उठाए, सी वैल्यू को उठाए। वहीं पे अगर मुझे ए और बी उन दोनों का भी अलग से सम चाहिए है तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर मैं डबल कोट स्टार्ट करता हूँ और मैं फॉरवर्ड बैकवर्ड स्लैश एन का यूज करते हुए मैं दोबारा से लिखता हूँ कि सम इज, कैसा सम चाहिए हमें, वो भी फ्लोटिंग पॉइंट में चाहिए, सम इज परसेंटाइल एफ, और कोमा देके यहाँ पे मैं ए प्लस बी लिख देता हूँ। इन दोनों को भी मैं डिक्लेयर कर देता हूँ। इतना करने के बाद मैं गेट फंक्शन का यूज करूंगा दोस्तों और हमारे कोड को हम क्या करेंगे, खत्म करेंगे। तो एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूं। मैंने ए वेरिएबल लिया है फ्लोटिंग पॉइंट जिसके अंदर वैल्यू डाली है, बी वेरिएबल लिया है जिसके अंदर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू डाली है, और एक सी वेरिएबल लिया है। सी भी कैसा है, फ्लोट सी है। आप देख रहे हो मैं जैसे ही कर्सर सी के ऊपर लेके गया हूं तो यहाँ पे ऊपर लिखा भी आया फ्लोट सी, क्योंकि हमने यहाँ पे पहले ही डिक्लेयर किया हुआ है फ्लोटिंग पॉइंट, यानी कि फ्लोट डेटा टाइप हमने डिक्लेयर किया हुआ है। तो इंट लिखने के बाद सभी इंट हो जाते हैं, तो फ्लोट लिखने के बाद सभी क्या हो जाएंगे, फ्लोट हो जाएंगे। सी हमने कर दिया ए प्लस बी की इन दोनों का जोड़। प्रिंट है पहली स्टेटमेंट के अंदर फंक्शन के अंदर हमने ए की वैल्यू बी की वैल्यू परसेंटाइल एफ के बराबर करके ए कोमा बी डिक्लेयर किया। दूसरे प्रिंट है फंक्शन में हमने सी जो है उसको परसेंटाइल एफ के बराबर किया, और तीसरे प्रिंटर फंक्शन में हमने ए प्लस बी को परसेंटाइल एफ के तौर पे उनके जोड़ को हमने डिक्लेयर किया यहाँ पे। तो मैं करूंगा फाइल को सेव दोस्तों। सेव करने के बाद मैं करूंगा हमारा टर्मिनल ओपन। तो आप लोग सोचिए कि यहाँ पे आप लोगों के पास ए बी और सी तीनों का और ए प्लस बी का जो जोड़ है वो क्या आएगा। तो यहां से अगर हमें, मैं अगर बोलूं आपको कि जो ए है उसका आउटपुट हमारे पास क्या 1.52 ही आएगा या फिर कुछ और आएगा, यही बात सीखने की है इस कोड से। हमें क्या सीखने को मिलेगा अभी आप देखिए, जीसीसी स्पेस वीरू डॉट सी करता हूं मैं और फिर ए के अंदर जाता हूं। तो दोस्तों हमारे पास जो आंसर आएगा वो जीरोज में भी आएगा, इनके सबके लास्ट में जीरो भी आपको लिखी हुई दिखेंगी। ये देखिए यहाँ पे नीचे वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 1.52 और 4 जीरो है, बी इज इक्वल टू 2.35 4 जीरो है, फिर जो सम था सी का वो इन तीनों का दोनों का जोड़ 2.35 और 1.52 का जोड़ प्लस 4 जीरो और हैं 3 87 4 जीरो, और फिर आखिर में इसका जोड़ ए और बी का अलग से जोड़ जो है वो भी 3 87 4 जीरो। तो यहाँ से हमें एक बात पता लगती है कि जब भी सी के अंदर हम फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और कोई भी फ्लोट वैल्यू हम लेना चाहते हैं तो हमें 6 डेसिमल प्लेसेस तक का रिजल्ट मिलता ही मिलता है, ये गारंटीड हमेशा मिलेगा ही मिलेगा अगर आप खाली छोड़ देते हो प्लेसिस को। तो अगर आप यहाँ पे 5211111 कर देते हैं और 3 5 2 2 2 2 कर देते हैं तो ये जीरोस जो हैं ये हमें नहीं मिलेंगी। तो सबसे पहले मैं इसको सेव करता हूँ और हम देखते हैं कि क्या जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है या नहीं। तो वेरू डॉट सी के अंदर जाते हैं, ए के अंदर जाते हैं, और अब देखिए अब हमें जो आउटपुट मिला है 5 2 1 1 1 1 मिला है, 3 5 2 2 2 2 मिला है, 8 7 3 3 3 3 3 3 मिला है, क्योंकि इनका जोड़ है। तो यहां से हमें पता लगता है कि अगर हम यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस को खाली छोड़ देते हैं तो हमारे पास उसकी जगह पे क्या आ जाता है दोस्तों, जीरो आ जाती है। जब भी आप फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप का यूज करके, फ्लोट डेटा टाइप का यूज करके फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं तो आप लोगों के पास अगर आप 6 डेसिमल प्लेसेस तक आप लोगों के पास जो है वो जीरो आती है अगर आप इसको खाली छोड़ देते हो। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो जो भी आपके दोस्त हैं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो कॉलेज में हैं या फिर स्कूल में हैं या फिर किसी नेट गेट की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे सी लैंग्वेज पूछी जाती है, तो आप उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। और अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।